हेलो नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूँ राजेश। आप जो देख रहे हैं फार्मर हेल्पिंग चैनल। इस वीडियो में जो बात करने वाले टाटा कंपनी का बेहतरीन प्रोडक्ट जो होता है पतंग कीटनाशक के बारे में। पतंग जो कीटनाशक है टाटा कंपनी का कीटनाशक है, इसमें जो कंटेंट रहते हैं, टेक्निकल मोड ऑफ एक्शन क्या रहता है, इसका डोसेस कितना छिड़काव करना चाहिए, कौन कौन सी खेती बारी में मुख्य रूप से इसका रिजल्ट अच्छे मिलते हैं, इसके बारे में डिटेल्स आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी मिल जाएगा। अब चैनल में नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। किसान भाइयों, जो पतंग कीटनाशक है टाटा कंपनी का कीटनाशक है, जो बेहतरीन कीटनाशक है, इसमें जो कंटेंट रहता है क्या कंटेंट रहता है, टोल्फेनपाइराइड 15% इसी कंपोजिशन दवाई है। जो मार्केट में टोल्फेनपाइराइड 15% इसी कंपोजिशन दवाई आप और भी कोई भी कंपनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो टाटा कंपनी का प्रोडक्ट है बेहतरीन प्रोडक्ट है, जो कीड़ों को नियंत्रित करने के लिए बेस्ट दवाई है। तो किसान भाई, जो पतंग कीटनाशक है इसका मुख्य रूप से कौन कौन सी खेती बाड़ी में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आपको खेती बाड़ी में चूसने वाले कीटों का समस्या होता है, चबाने वाली जो कीटों है उसका समस्या होता है, इसलिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो डायमंड बैक मोथ जो कीड़ो होता है इसके लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। त्रिप्स सफेद मक्की कीड़ों के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे टमाटर, मिर्च, भिंडी, लोबिया, बीन्स, सीम का खेती बारी में, प्याज लहसुन का खेती बारी में, आलू का खेती बारी में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। करेला कीड़ा खेती बारी में, बैंगन का खेती बारी में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे किसान भाई आपको त्रिप्स कीड़ों का समस्या होता है कोई भी सब्जियों का खेती बारी में, तो क्या कर सकते हैं, आप पतंग कीटनाशक का इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे सफेद मक्की का कीड़ों का हर किसान का समस्या होता है, सफेद मक्की के लिए भी आप क्या कर सकते हैं, पतंग कीटनाशक का इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं। आई बात करने वाले इसका इस्तेमाल करने के बाद कौन कौन सी कीड़ों का आप नियंत्रित कर सकते हैं। किसान भाई, जो पतंग कीटनाशक है इसका इस्तेमाल करने के बाद जैसे सब्जियों का खेती बारी में एपिड, जेसिड, ट्रिप्स, सफ़ेद मक्की, इसके अलावा जैसे डायमंड बैक मोथ, सकिंग पेस्ट जो कीड़े होते हैं आप आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं इसका इस्तेमाल करने के बाद। पतंग जो कीटनाशक है आपका खेती बारे में फूल आने के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फसल मिलने के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे नर्सरी से पौधा ट्रांसप्लांट करने के बाद इसके बाद भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको कोई भी समस्या नहीं होगा। जैसे किसान भाई क्या समस्या होता है, फूल आने के बाद लगभग मिर्च टमाटर का खेती बारी में ज़्यादातर किसान भाइयों का क्या समस्या होता है, कुकरापन का समस्या होते हैं, जो कीड़ों का वजह से कुकरापन आता है, इसलिए भी आप क्या कर सकते हैं, पतंग कीटनाशक का इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं। आई बात करने वाले पतंग जो कीटनाशक है उसका डोसेस कितना छिड़काव करना चाहिए, उसका डोसेस लगभग 0.5 ml से 1 ml तक पर लीटर पानियों में घुलकर आप स्प्रे कर सकते हैं, आपको कोई भी समस्या नहीं होगा। आई बात करने वाले स्प्रे करने का सही समय कौन से, जैसे सुबह का समय में और इवनिंग का समय में आप इसका इस्तेमाल जरूर करना, धूप में स्प्रे करने में आपको रिजल्ट इतने अच्छे नहीं मिलेगा, इसलिए क्या करने आप सुबह का और इवनिंग में इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं। आई बात करने वाले पतंग जो कीटनाशक है इसका दूसरा स्प्रे कब करना चाहिए खेती बारे में, दूसरा स्प्रे लगभग 15 दिन के बाद आपका सब्जियों का खेती बारे में दूसरा स्प्रे भी कर सकते हैं, आपको कोई भी समस्या नहीं होगा। इसका दूसरा कोई भी कीटनाशक जैसे एसिपिड, इमिडाक्लोरफिड, टाइमोथियोक्सिम जो कंपोजिशन दवाई है, प्रोफेनोफास, साइपरमेथ्रिन जो कंपोजिशन वाला दवाई है, एक साथ मिक्स करके भी स्प्रे कर सकते हैं, आपको कोई भी समस्या नहीं होगा। लेकिन डोज में आप ध्यान देने का बहुत जरूरी है, इसलिए आप डोज से ही स्प्रे करना चाहिए, जैसे कोई भी दूसरा कोई भी कीटनाशक का साथ मिक्स करके स्प्रे करने के लिए PGR प्लेनकोटोनिक का साथ भी एक साथ मिक्स करके आप स्प्रे कर सकते हैं, जो पतंग कीटनाशक का आपको कोई भी समस्या नहीं होगा। मिनिमम तीसरे स्प्रे तक कर सकते हैं, जो टाटा कंपनी का बेहतरीन प्रोडक्ट है जो होता है पतंग कीटनाशक, आप तीसरे स्प्रे भी कर सकते हैं आपका सब्जियों का खेती बारी में, आपको कोई भी समस्या नहीं होगा। किसान भाई, इस वीडियो में जो बात किया था पतंग कीटनाशक के बारे में, जो था टाटा कंपनी का कीटनाशक, इसके बारे में, इसका डोसेस के बारे में, कीड़ों के बारे में, कौन सी कीड़ों को नियंत्रित कर सकते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में बात किया था। इसके अलावा आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो वीडियो में कमेंट भी जरूर कर सकता है।